हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल रेसिपीज़। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए दाल की रेसिपी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कुकर, जिसमें हम डालेंगे एक कप धुली हुई मसूर की दाल। मैं यहाँ पर मसूर की दाल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो तुअर की दाल या किसी भी दाल का यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें मैंने डाला एक छोटी हरी मिर्च, एक टीस्पून हल्दी पाउडर और यहाँ डालेंगे एक कप पानी। अब ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो आपका दाल उबल कर बाहर गिरेगा और कुकर भी गंदे हो जाएंगे। अब मैं लिड लगाकर इसे दो सीटी आने तक पकने दूंगी। मसूर की दाल है ये, तो बहुत जल्दी गल जाता, आपको पता है। तो चलिए, मेरा दो सीटी आ चुका है कुकर में, तो मैंने उसे बंद कर दिया। अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक पतीला ले लिया है, जिसमें मैं डाल रही हूँ एक टेबल स्पून तेल। तेल थोड़ा गर्म हो जाने दें। उसके बाद मैं डाल रही हूँ हाफ टी स्पून ज़ीरा। एक मिनट के बाद हमें डालना है इसमें 3 से 4 लहसुन की कली बारीक काटकर। एक सूखी मिर्च डाल दिया मैंने तोड़कर, और एक छोटा प्याज मैंने डाला इसमें बारीक चॉप करके। तो इसे हमें 2 मिनट तक पका लेना है। इसी तरह हमें चलाते हुए इसे लगातार पकाना है। अब मेरा 2 मिनट हो चुका है यहाँ पर। मैं इसमें डालने वाली हूँ अब एक हरी मिर्च, जिसे मैंने चीरा लगाकर काट लिया है, और 5 से 6 कड़ी पत्ता। तो फिर से हमें इसे चलाते हुए पकाना है। प्याज को हमें मीडियम फ्लेम में लगातार पकाना है। हमें इसमें चाहिए हल्का गोल्डन कलर, तो इसे इस तरह से पका लें। तो फ्रेंड्स, हम हमेशा बोर हो जाते हैं एक ही तरह का दाल खाकर, तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं, तो मैंने इसे ट्राई किया है। अब ये देखिए, प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर इस दाल को ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कैसी बनी है। तो देखिए, मेरा अदरक लहसुन यहाँ पे पक चुका है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब इस टमाटर को हमें गलने तक पकाना है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक। ये नमक डालने से टमाटर भी जल्दी पक जाएगा। तो मैंने अपने स्वाद के हिसाब से यहाँ पर नमक डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से चला लें। फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को, और अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो टमाटर देखिए थोड़ा सॉफ्ट हो चुका हमारा। अब मैं यहाँ पर 1/2 कप पानी डालकर इसे लिड बंद करके पकने दूंगी। इसे हमें बिल्कुल ही सॉफ्ट करना है, तो मैंने लिड लगा दिया है। अब हम इसे स्लो फ्लेम में पकने देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारा दाल भी गल चुका था। मैंने अभी कुकर की सीटी हटा दी है। यहाँ पर हमारा टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, देखिए इस तरह। तो हमें इसे फिर से अच्छे से मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। अभी जो हमारे उबले हुए दाल थे, हम इसके अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मसाले में हल्दी नहीं डाला था, क्योंकि मैंने दाल में पहले से हल्दी डाल दिया था। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे कुकर में, जो भी दाल लगे हुए हम उसे अच्छे से निकाल कर इसमें मिक्स कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अभी मैंने कुकर साफ़ करके पानी भी डाल दिया इसमें। इसे मिक्स कर लें अच्छे से। तो ये दाल पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी बन जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। आपको जितना गाढ़ा रखना आप उस हिसाब से रख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे बारीक चॉप करके हरा धनिया डाल दिया है।
इसे अच्छे से उबलने तक पकने दें, क्योंकि हमने अभी कच्चा पानी डाला था इसमें, तो ये अच्छे से उबल चुका है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। गरम मसाला के डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है, तो मैं चाहूँगी कि आप डालें इसे। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी, मेरी रेसिपी अच्छी लगी, तो मुझे लाइक शेयर और कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं। तो चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगली अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।